हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, तो आज हम आपको ब्लॉग में होम टूर बताएंगे और इंशाल्लाह आज से रेगुलर वीडियोस अपलोड होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा बेडरूम है। मैंने आप लोगों को बताई वो बेडरूम था और ये हमारा हॉल है। ये बाहर का दरवाज़ा है, बाहर साइड जाने का। ये सामने हॉल की खिड़की है, वो बेडरूम की खिड़की थी। और यहाँ से पूरा व्यू नज़र आता है। ये तितर है, तितर बाजू वाले का हमारे घर में रहता है। ये मोरी बाथरूम अटैच है। तो चलो अभी आपको किचन बताती हूँ। ये हमारा किचन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हैं। तो आज ब्लॉग मेरी बेटी बना रही है, तो मैं भी सलाम दुआ कर लूँ, आप सब से खैरियत पूछ लूँ। काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग डाल के हम लोग को। तो ये किचन है, किचन की खिड़की है और खाने में हम लोग ज़ीरा राइस बनाए हैं और दाल फ्राई और बोमिल फ्राई बनाएंगे। तो किचन में सेल्स वगैरह था, हम लोग को काफ़ी सामान आ गया है। माशाल्लाह घर बहुत बेहतरीन मिला है आप लोग की दुआ से और सफ़र भी बहुत अच्छे से गया है। मैंने बहुत काफ़ी लोग को बोली थी दुआ करना हमारे सफ़र के लिए, तो सफ़र काफ़ी अच्छे से गया है। सामान वगैरह पूरा मैं लेके आ चुकी हूँ, कोई मतलब तकलीफ़ नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला शुक्र है कि अच्छे से आ गए हम और घर भी हमको काफ़ी अच्छा मिला है। तो ये मैंने खीर बनाई थी कल, पुलाव बनाई थी कल, हमारे घर में कुरान खानी थी और मिलाद वगैरह पढ़ाए थे हमने, तो काफ़ी मेहमान भी आए थे कल। मैं सोची थी ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों को मैं शेयर करूँ, मगर नहीं टाइम मिला मुझे नहीं, तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी टाइम मतलब बिज़ी थी मैं बनाने वगैरह में। मेहमान बहुत आ गए थे माशाल्लाह, सब अच्छे से हुआ, कुरान खानी भी अच्छे से हुई, सलाम वगैरह हुआ, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आप लोग की दुआ से। और मैंने ब्लॉग भी बहुत दिन से नहीं डाली हूँ, इंशाल्लाह अभी कोशिश करूँगी ज़्यादा कि मैं ज़्यादा ज़्यादा ब्लॉग डालने की। और मैंने बोली पहले आज कुछ रेसिपी नहीं डालती हूँ, डायरेक्टली आप लोगों को मैं घर का वीडियो डालती हूँ कि मैं किधर आई हूँ, कहाँ पहुँची और कैसा घर मिला, सब आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। ये मेरे बच्चे देखो माशाल्लाह, ये लोग को भी लेके गई थी, ये लोग को भी सही सलामत साथ खैरे से लेके आई हूँ। छः बच्चे थे, छः में से चार मर चुके, ये दो बच्चे थे और एक मैंने वहाँ से ख़रीद के लेके, पीली वाली चिड़िया, ये हमारे दो ही बच्चे हैं। ये बाहर की गैलरी है, यहाँ से आना जाना है हमारा रास्ता है ये। और बिल्डिंग में घर लिए बच्ची ने, तीन माले की बिल्डिंग है, तो ये रास्ता है देखो हमारा। यहाँ से सीढ़ी है हमारे ऊपर माले पे, पांच रूम है। ये भी काफ़ी माशाल्लाह नज़ारा दिखता है, रात को भी अच्छा दिखता है, दिन को भी माशाल्लाह। ये पूरा वाशी है देखो, पूरा वाशी का हिस्सा है, पूरा दिख रहा है यहाँ से। घर के लिए हमारा सामने का घर है, साइड साइड में सबका है, मेरा एकदम सामने स्ट्रेट एकदम सामने घर है। मेरे घर के बगल में दो घर है, ये घर है, ये घर है और ये घर है। ये हमारे बाजू वाला बच्चा है। तो आज हमारे जेठ जेठानी भी हमारे से मिलने आए हैं, तो आप लोगों को मैं मिलाती हूँ। ये मेरी जेठानी है, सलाम अलैकुम। और ये मेरे जेठ है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो नया घर लिए तो हम लोगों ने उनको दावत दिए, तो आए मिलने, बहुत अच्छा लगा। तो पहले आप लोगों को भी मिलाती हूँ उन लोग से। तो फ्रेंड्स, हमारे जेठ जेठानी खाना खा के चले गए हैं, तो माशाल्लाह आज अच्छा दिन गया हमारा। कल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गया था, कल भी हमारे घर में कुरान खानी मिलाद वगैरह हुआ था, बहुत सुकून बहुत अच्छा लगा। और मुंबई में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के हैं तो यहीं अच्छा लगा हम लोग को।
और केरला में मैं रूम भाड़े पे देके आ गई हूँ। और मैं इतने दिन से क्यों ब्लॉग नहीं बना रही थी, मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो मैंने फिलहाल आई हूँ तो आप लोगों को मैं बता दूँ मैं किधर रही हूँ, क्या हूँ। पहले इसके लिए मैंने आज खाने की रेसिपी का ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, डायरेक्टली मैंने घर का ब्लॉग बनाई हूँ। और यहीं से ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग अगर मेरा घर का ब्लॉग पसंद आएगा तो आप लोग मुझे लाइक और शेयर करो, और कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। और दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।